हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा नाम है ऐश रोमर और हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं एक नई ब्रांड न्यू वीडियो जिसमें हम लोग थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। जैसे कि हम आज स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं, आज तक किसी ब्लॉगर ने ये नहीं किया है और मैंने अपने खुद के पैसे रिस्क करके आप लोगों के लिए ये वीडियो क्रिएट करने की जरूरत की है। देखते हैं नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। तो लाइव ट्रेड होने वाला है। अब आप सोचोगे कि इस वीडियो की ज़रूरत क्या है, तो मैं ये आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छी बात है। ज़िंदगी में इन्वेस्ट करिए, सेव करिए। तो जस्ट एक डेमो है, मतलब ट्रेड ओरिजिनल है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको अपने पैसे दे के रिस्क करके। रिस्क है तो इश्क है, हैं क्या हर्षद मेहता बन रहे हो? नहीं, मैं अभी तक मैंने सीरीज भी नहीं देखा है, बट मैंने सोचा कि मेरे को ऐसा दिखाना चाहिए ट्रेड, लाइव ट्रेड करके। तो देखते हैं कैसा जाता है, मेरी अजम्पशन या मेरी एनालिसिस कैसी जाती है। सो वीडियो में देखते हैं, चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। होप यू लाइक दिस। अगर नुकसान हुआ ना, घर आके लूँगा। सो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये मेरी फ़ोटो, यहाँ पे आईडी को कुछ मत करना, मेरा ये पासवर्ड है, मैंने डाल दिया। हम लोग ज़ीरोधा यूज़ कर रहे हैं, ज़ीरोधा हमारा ब्रोकर है। तो स्टॉक मैंने रात को कुछ देखा था, तो हालत ऐसी चल रही थी, आप देख सकते हैं। IGL, कैडलैक, क्यूमेनिन, मारिको, ये चार मेरे फेवरेट स्टॉक हैं। जब भी लगाता हूँ इन पर ही लगाता हूँ मोस्टली। और अभी देखते हैं क्या करना है, सब ठीक ठाक तो है, ओपन वगैरह सब ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं कोशिश करने का ट्रेड, मार्केट डेप देख लेते हैं। 451 पे ओपन हुआ, 9:31 बजे हैं, जैसे आप सॉरी 9:11 बजे हैं, अभी तक मार्केट ओपन नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम में खुलने वाला है। 451 हाई है, प्रीवियस क्लोज 449.65 है। तो देखते हैं हम लोग ट्रेड में क्या करते हैं। यहाँ पे ऐसे ग्राफ से भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बाय करूँगा यहाँ पे, और हम करेंगे बाय 449। खोले मार्केट तो समझ में आया ना क्या करना है। शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, हम करेंगे बाय, ठीक है। तो अभी चालू की गई है, 1 मिनट हो चुका है और मार्केट शुरू हो चुकी है, और ये सीधा स्टॉक ऊपर की तरफ सीधे गुलछे मारते हुए। अरे रुक जा, अबे ट्रेड करने दे, रुक, ट्रेड कर। अबे ट्रेड करना 15 मिनट का है, हाँ ठीक है, सब सही है। ये इसको बोलते हैं हम स्कैल्पिंग पीरियड, जो मार्केट खुलते ही 15 मिनट में जो भी होता है वो ऊपर नीचे यहाँ वहाँ दाएं बाएं कहीं भी जाता है, ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं बाय। मैं खाली एक बार कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं। अगर ऊपर गया तो इसको मैं करने वाला हूँ बाय, ठीक है। ये पता नहीं क्यों ग्लिच दिखा रहा है यार, ये मतलब ग्राफ बराबर से नहीं दिखा रहा है। अरे क्या हो रहा है भाई, उसका ग्राफ ही नहीं दिख रहा है मुझे, बताओ। चलो ठीक है, एनीवेज 1 मिनट हो चुका है और 15 मिनट की कैंडल भी, 15 मिनट का 5 मिनट का देखते हैं। इसमें दिख रहा है तो 15 मिनट में क्यों नहीं दिख रहा बे, क्यों नहीं दिख रहा 15 मिनट में? हाँ दिख रहा, ठीक है। चलो कोई नहीं, स्टिक मुझे समझ में आ गई कि ये ग्रीन बनी है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको 5 या 2 मिनट के अंदर बाय करने का। ट्रेड पे मैंने दबा दिया, मैंने कर दिया 150 क्वांटिटी। CNC नहीं मिलेगा मुझे, MIS चाहिए, क्योंकि मैं इंट्राडे खेल रहा हूँ, इंट्राडे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर रखना है और बाय पे सीधा क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इसका क्या करना है अपने को। ये मुझे थोड़ा सा, अभी तक मैंने ट्रेड मारा नहीं है,
और पहले इसकी कैंडल में देख लूँ एक बार यार, क्या करना चाहता है ये मेरे साथ। अगर मैंने बाय किया और ये नीचे चले गया तो नुकसान किसका? मेरा? तुम्हारा क्या है? हाँ, तुम तो खाली देखने आए हो, कमेंट्री मजाक देखने आए हो तुम। हाँ चलो, एनीवेज मैं देखता हूँ अभी सीरियसली कि इसका क्या होने वाला है। स्कैल्पिंग इतनी फास्ट होती है, बट ये आज स्लो हो रहा है क्योंकि इसके जो सेलर्स हैं लेफ्ट में 1,85,000 है और बायर्स 1,35,000 है, तो बायर्स लोग ज़्यादा बुलिश नहीं हैं, इसलिए हमको लगता है ये नीचे भी गिर सकता है, तो शायद बाय ना करूं। बट मैं नीचे MACD के इंडिकेटर के हिसाब से बाय करूंगा अगर करना हो तो, क्योंकि वो अच्छा रहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मार्केट को खुले हुए हुआ है 3 मिनट और ये इसने कैंडल ही गुम कर दी, हरी वाली। वाह, फिर आ गई, फिर आ गई। ओह भाई, सेलर बढ़ गए और बढ़ गए सेलर। सही है सही है सही है सही है सही है सही है। बर्बाद करो, बर्बाद कर दो। बाप रे बाप, ऊपर की तरफ जाना चाहिए स्टॉक। 5 मिनट में तो दिखा रहा है, तो बाय का ऑर्डर मैं यहाँ से डाल रहा हूँ 150। प्राइस मेरी रहेगी 451 और बाकी सब ठीक है। मार्केट लिमिट पे, मार्केट पर लेंगे, मार्केट पर चले जाएगा जो भाव चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अभी मेरा है 451.3 पे मैंने कर दिया सेट और हम करेंगे इसको बाय। 451.50 चल रहा है, बढ़ गया, 50 पे बाय करेंगी। रिफ्रेश करेंगे, हमारा उतना अमाउंट है कि नहीं। हाँ, हमारे पास उतना अमाउंट है। गया गया ऑर्डर, गया, हो गई ट्रेड, लग गई ट्रेड और ये हमने कर दिया बाय। तो अभी मार्केट का विचार देखते देखते हमको ये लग रहा है कि हमको सेल का भी ऑर्डर डाल देना चाहिए। सेल का ऑर्डर डालने के लिए मुझे सेल बी लिखा होता है बाय पे, एस पे लिखा होता है सेल, तो मुझे सेल पे जाना पड़ेगा। IGN मैंने बाय किया है 451 पे, 451 मैं रुको देखता हूँ 1 मिनट। मैंने अभी सेल करना है, मैंने अभी सेल करना है। सेल में 150, 150 रुपया का क्वांटिटी, 150 रुपये का नहीं, 200 क्वांटिटी। 454 पे रख देता हूँ, ठीक है, 454.5 सही रहेगा। इस पे मैं सेल कर दूंगा, 150 क्वांटिटी सेल कर दूंगा। रिफ्रेश करेंगे, अमाउंट तो उतना ही रहे, सेल के लिए कुछ नहीं चल लगता मार्जिन, तो दैट्स इट। अभी सेल पे हम करेंगे 445 पे कर देते, चलो कर दिया। हाँ, हम लोग जाएंगे अपनी पोजीशंस पे और मैं 120 रुपये प्लस हूँ, 120 रुपये, 150 रुपये, 30 से 30 रुपया छोड़ के। ठीक है, 120 रुपीज़ आई एम ऑन पॉजिटिव साइड एंड लेट मी 112.50। ओ माई गॉड, 135, ओ माई गॉड, नाइस नाइस नाइस, 135 रुपये, 135 रुपये। चलो मेरा वहाँ पे सेल का देखो, वहाँ पे डंडा आ गया है, 455 वाला सेल पे ऑर्डर लग चुका है। तो अभी हम पैसे वाले बनने वाले हैं, पैसे वाले बनने वाले हैं। ओके, 150, ओ माई गॉड सही है, 172, ओ माई गॉड सही है सही है सही है सही है, 180, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, इतने पैसे, ओ बाप रे। एनीवेज, अभी खाली वेट करना है हमको अपने 455 पे आने के लिए। अभी 452.50 चल रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे आप देख सकते हैं, वो वाला स्टॉक हमने लिया हुआ है। अभी 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 मजा आएगा, बस खाली रिवर्स ना मार दे, रिवर्स मार देगा तो हमारे नुकसान हो जाएगा। ओए क्या कर रहा है, थोड़ा नीचे नीचे आ रहा है, ये तो डरा रहा है, ये तो डरा रहा है। ओ सुन सुन मेरी बात सुन, ऊपर जा, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर जा ऊपर जा। हाँ, सही है सही है। अरे फिर नीचे जा रहा है,
अबे ऊपर जा बोल रहा हूँ तो ऊपर जाना भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ बॉस, अभी इंटरसेक्ट मैकडी करके जो इंडिकेटर है नीचे वो इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, अगर इंटरसेक्ट होगा तो शायद ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। मैं इंडिकेटर्स के थ्रू खेलता हूँ, जीरो था मेरा भाई है, भाई की तरह है ब्रोकर। ठीक है फिर, अभी 1455 पे, ठीक है देखते 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 क्या हो रहा है। बाय का ऑर्डर लग चुका है, सेल का ऑर्डर ओपन में है अभी तक, क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। वो एग्जीक्यूट होगा तो मतलब अपन प्रॉफिट, स्टॉप लॉस मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मेरा ध्यान पूरा है तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। अरे सुन 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 सुन, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 9750 वे 22 वे क्या कर रहा है, नुकसान नुकसान नुकसान। ओ ब्रो, ओ 7 रुपये वे वे क्या कर रहा है। अबे मैंने 2000 रुपये लगाए हैं वैसे बाय द वे, ठीक है। ये क्या कर रहा है यार, ये इंडिकेटर खोलो इसका, इसकी आँख, ये तो डुबाएगा, ये डुबाएगा देखते हैं क्या होता है। रुको 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 रुको, वेट करेंगे अपन, वेट करेंगे वेट करेंगे। 7 रुपये हो चुका है, 7 रुपये, 30 रुपये माइनस। भाई नहीं, ये नुकसान मैं नहीं सहन करूँगा, क्या करूँ, बेच दूँ बेच दूँ बेच दूँ। नहीं यार, वो बेचूँगा ना तो फिर ब्रोकरेज भी कट जाएगी जो मैंने बाय किया है, और सेल करूँगा तो नहीं कर सकते, नुकसान हो जाएगा। अभी तक बहुत टाइम है, 9:26 हुआ है अभी तक, तो अपने पास बहुत टाइम है, अपने पास 3:30 तक का टाइम है, तो वी विल वेट। ये ऊपर जाना चाहिए लेकिन ये नीचे आ रहा है, ये तो गेम है, यही तो गेम है। ठीक है, अरे बाप रे, 195 माइनस में दिख रहा हूँ मैं, 277 माइनस, मतलब 300 माइनस। ओ माय गॉड, इट ऑलमोस्ट वेंट लाइक क्रेजी। हाँ, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, आई एम नॉट हर्षद मेहता, क्या हो रहा है ये, मतलब क्या हो रहा है, 300 रुपये माइनस हो गया यार। बट आई विल वेट, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ फेथ इन दिस स्टॉक। ये थोड़ा सा अभी नीचे जाएगा लेकिन ऊपर भी आएगा हमारे प्राइस पे, सो डोंट वरी, अब जब बढ़ेगा तब हम इसको देखेंगे। तो भाई और लड़कियों, हमने रिक्वेस्ट डाल दी है, स्टॉक हमारे प्राइस के नज़दीक आ रहा है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत गया है और एक लगभग 1:30 बज रहे हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, और ये पहुँच गया है, और ये मेरा ऑर्डर कंफर्म, ये मैंने सेल कर दिया, IGL इज़ कम्प्लीटेड नाउ एंड आई एग्जीक्यूटेड 2 ऑर्डर्स एंड आई एम द मिलियनेयर नाउ। मेरे पास बहुत पैसे हैं अभी, कितने 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 क्या बताऊँ कितने अभी यार, देख लो 495 रुपीज़ है मेरे पास अभी, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली ये 499 हमने कमाया है या फिर ये PNL है सिर्फ, तो हम लोग ब्रोकरेज के कैलकुलेटर पे जाएंगे, ब्रोकरेज के कैलकुलेटर को हम करेंगे ओपन। 451.50 पे बाय किया था, ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने और डाल दिया बाय पे, फिर सेल पे डालूँगा, और कितने पे सेल किया, 454.80, इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया, क्वांटिटी मेरी थी 150, 150 रुपये 150 क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद मेरे को नीचे पता चल जाता है मेरा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ऑन दिस ट्रेड इज 423.48। तो ये सारे चार्जेस हैं, ब्रोकरेज लगता है, STT लगता है, एक्सचेंज टैक्स लगता है, GST लगता है, स्टैम्प ड्यूटी, तो ये सब टैक्सेस लगने के बाद मेरे हाथ में आते हैं 423.80। सो दैट्स इट, ये मेरा एक नॉर्मल ट्रेड था स्टॉक मार्केट में। अच्छा, तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, अगर सीखने को मिला है तो डू ऑल द YouTube फॉर्मेलिटीज़, और अगर नहीं भी सीखने को मिला तो छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। एनीवेज, बाकी का हम लोग अभी सीधा हम लोग मिलने वाले लोकेशन पे अगली बार, और घर पे कितना बनाएंगे यार कंटेंट, थक गया हूँ सोच सोच के यार, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, देखो ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।